एक शहर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत बहुत बीमार हो गई थी। बेटा, मैं तुम्हें अपने आखिरी समय में कुछ बताना चाहती हूँ। इस शहर के पास में एक जंगल है, वहाँ एक नदी बहती है। उस नदी में एक जलपरी रहती है, वो मेरी दोस्त है। मेरे बाद उसके पास जाना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। जैसे माँ ने कहा था, वैसे ही दोनों लड़कियाँ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में वो नदी के किनारे पहुँची। माँ ने तो कहा था यहाँ पर एक जलपरी मिलेगी, कहाँ है वो? तभी वो जलपरी उनके सामने आई। उनमें से एक बहन बोली, क्या आप ही हमारी माँ की दोस्त हैं? जलपरी बोली, हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोनों बहनें सीता और गीता में गीता सबसे लालची थी, जबकि सीता बहुत अच्छी इंसान थी। गीता फटाफट बोली, हमें थोड़ा धन चाहिए। जलपरी बोली, ये जंगल एक जादुई जंगल है, यहाँ जो मांगो वो मिल जाता है, लेकिन मन सुंदर होना चाहिए। ऐसा करो, इस जंगल में आगे जाओ तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, मन सुंदर होना चाहिए। फिर दोनों बहनें आगे चल दी। आगे उन्हें एक बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, बेटा मेरी मदद कर दो प्लीज, इस नदी में मेरा एक बर्तन गिर गया, मुझे ढूंढने में मदद कर दो। लालची गीता तुरंत बोली, अरे नहीं नहीं, अगर हम आपकी मदद करने लगे तो हमारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और हमें बहुत देर भी हो जाएगी। और फिर वो आगे चले गई, लेकिन सीता वहीं रुकी रही। वो बूढ़ी औरत से बोली, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी। फिर सीता बिना कोई चिंता करे नदी में बूढ़ी औरत का बर्तन ढूंढने लगी। तभी उसे खजाने से भरा बर्तन मिला। तब वो बूढ़ी औरत से बोली, क्या ये आपका है? बूढ़ी औरत हंसकर बोली, हाँ यही मेरा है, पर अब ये तुम्हारा हो गया है। जब गीता ने ये सब देखा तो वो बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब वो बूढ़ी औरत गायब हो गई और एक रथ आ गया, जिसमें बैठकर दोनों बहनें घर वापस चली गई। तो देखा बच्चों, लालच को छोड़कर हमें दूसरों लोगों की मदद करनी चाहिए।